हेलो एवरीवन वन सेल्फ कमलेश चौधरी टीम फिजिक्स सी एल मेरे और सीएलसी टीम की तरफ से आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और फ्रिक्शन माइनर टेस्ट सीरीज नी 2022 का जो माइनर थर्ड था उसका टॉपिक तो इसके अंदर क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक बॉल है जिसका मास गिवन है और उसकी वेलॉसिटी गिवन है ये एक दीवार से टकरा रही है और बाउंस बैक हो रही है विथ सेम स्पीड तो सेम स्पीड से ये बाउंस बैक भी हुई है तो हम बोल सकते हैं कि वेलोसिटी टू से आ रही थी टू से वापस चली गई तो ये पूछा हुआ है कि अगर टाइम ऑफ कांटेक्ट वॉल और बॉल का एवरेज वन मिली सेकेंड का है तो एवरेज फोर्स कितना लगेगा तो देखो अगर हमें एवरेज फोर्स लिखना है तो एवरेज फोर्स क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन लेकिन एक्सेलरेशन लिख दू एवरेज ये लिख सकता हूं और इसको एक्सेलरेशन को मैं लिख सकता हूं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम एवरेज बोल रखा है इसलिए वेलोसिटी वेलोसिटी है यूज करेंगे अब यहां पे मास गिवन है मास गिवन है में चेंज कितना हुआ पहले टू से आ रहा था प्लस टू बोल दो शुरुआत की वेलॉसिटी को तो बाद में जब बाउंस बैक हुआ तो बाद में वेलॉसिटी हो गई उसकी टू से आया बाद वाली वेलॉसिटी हो गई नेगेटिव डायरेक्शन में टू मीटर पर सेकेंड तो इसके बेसिस पे चेंज कितना दिख रहा है फोर का ठीक है अभी केवल मैग्नीट्यूड इंक्लूड कर लेते हैं कि चेंज जो हुआ है में चेंज वो हुआ है फोर का डिवाइड बाय टाइम टाइम कितना बोल रखा है वन मिली सेकंड मतलब पावर माइनस थ्री सेकेंड ये था मीटर पर सेकेंड में और ये यूनिट था के जी में तो यहां से देखेंगे ये वैल्यू आ गया टू और ये थाउजेंड ऊपर चला गया तो टू थाउजेंड न्यूटन के अराउंड एवरेज फोर्स की वैल्यू हो जाएगी फर्स्ट हो जाएगा ठीक है तो इसमें फर्स्ट आंसर इसके अंदर हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में एक बर्ड जो है वो डिसमाउंट हो रहा है ऑन ए स्ट्रेच टेलीग्राफ वायर एक तार पे बैठा हुआ था और वहां से उड़ रहा है तो एडिशनल टेंशन प्रोड्यूस इन वायर इज वायर के अंदर कितना टेंशन प्रोड्यूस हो जाएगा उसके उड़ते टाइम पर वो पूछा हुआ तो देखें यहां पर अगर बर्ड बैठा हुआ है जब उड़ रहा होगा तो उस टाइम के लिए हम ऐसे बोल सकते हैं कि उड़ते टाइम पर जिसकी वेलोसिटी पहले जीरो थी फिर कुछ वेलोसिटी मिल गई वी उड़ा दो तो वेलोसिटी गेन किया है कुछ टाइम में तो हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन हुआ तो हम बोल सकते हैं कि जब बर्ड उड़ रहा होगा अपवर्ड तो उस टाइम पर डाउनवर्ड एक तो एम लगा अपवर्ड वायर की वजह से फोर्स लगा वायर की वजह से फोर्स लगा अपवर्ड एक एक्सेलरेशन आ गया इसका क्योंकि वेलोसिटी में चेंज हुआ अपवर्ड तो हम बोल सकते हैं कि जो फोर्स है वो ग्रेटर देन वेट है क्योंकि एक्सेलरेशन अपवर्ड है फोर्स ग्रेटर देन वेट है फिर दूसरा ये है कि वायर जो है वो कुछ इस तरह से भी रहेगा टाइट है वायर तो इसमें भी अगर हम टेंशन फोर्स कैलकुलेट करके देखते हैं वेट को ही कंपेयर करें अगर तो भी तो ये फोर्स वायर ने बर्ड पे लगाया तो इक्वल एंड अपोजिट इधर लगा दिया तो टी के वर्टिकल कॉम्पोनेंट जो आएंगे टी अगर इस एंगल को थीटा ले ले तो टी कॉस थीटा सेम एंगल ये आएगा तो टू टी कॉस थीटा ये फोर्स के इक्वल होगा और फोर्स एम से ग्रेटर है तो और कॉसिटा की वैल्यू एंगल लार्ज है तो कॉ सीटा की वैल्यू बहुत स्मॉल होगी तो हम बोल सकते हैं टी की वैल्यू एफ बाय टू कॉस थीटा जहां कॉ सीटा की वैल्यू स्मॉल है तो अगर कॉस एटा स्मॉल हो गया तो ओवरऑल फोर्स काफी लार्ज हो जाएगा तो ये ग्रेटर देन वेट हो जाएगा ठीक है तो इसके वेट से ग्रेटर आएगा इसके अंदर ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्फ़ेयर है जो एक्सेलरेट हो रहा है अपवर्ड एक कॉर्ड से एक कॉर्ड से एक रस्सी से पकड़ के उसको ऊपर ले जा रहे हैं और उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है वो थ्री टाइम्स है उसके वेट से तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताना है कितना हो सकता है तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर की ओर फोर्स मैक्सिमम चाहिए तो ऊपर की फोर्स मैक्सिमम कितना हो सकता है थ्री टाइम्स वेट थ्री एम डाउनवर्ड फोर्स कितना आ गया एम उसका एक्सेलरेशन पूछा हुआ है कितना होगा तो यहाँ से इक्वेशन लिखोगे तो ये आ गया थ्री एम जी माइनस एम फोर्स अपवर्ड इक्वल्स टू एम तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी टू जी के बराबर तो इसका एक्सेलरेशन ग्रेविटी का डबल आएगा थर्ड आंसर इसके अंदर हो जाएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें बोल रखा है कि 80 रेलवे वैगन्स है अस्सी डब्बे मान रखे रेल के और हर किसी का मास है फाइव इंटू टेन एस पावर थ्री के जी और ये बोल रखा है कि जो इंजन है वो फोर्स लगा रहा है फोर इंटू टेन एस पावर फाइव जो एटी वैगन थे उनको पकड़ के खींच रहा है इस फोर्स से और ये पूछा हुआ है कि थर्टीत और थर्टी फर्स्ट जो वैगन है इसके बीच में कितना टेंशन फोर्स आएगा आगे से काउंट करते हुए बोल रहे हैं तो अगर एक वैगन का मास अगर मैं एम बोल दूं इंजन के अलावा बाकी तो आगे थर्टी है थर्टी एम टोटल 80 थे तो पीछे वाले पार्ट से 80 अगर हटा दे तो 50 एम पीछे वैगन है। अब यहां पे फोर्स लगा हुआ है ये कुछ फोर इंटू टेन फाइव एक तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों को कंबाइंड करके ये यहां पे इनके बीच में टेंशन फोर्स टी है दोनों का एक्सेलरेशन कुछ ए आएगा तो हम क्या कंसिडर कर सकते हैं आगे क्यू और फोर्स एफ पूरे पे लिख दो एक बार नेट फोर्स तो ये इंटरनल हो जाएगा इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एम इन टू फोर्स लिखा इस पे फोर्स कितना टी केवल और टी इक्वल टू एम ए फिफ्टी एम इंटू एक्सेलरेशन यहां से एक्सेलरेशन लिखोगे एफ बाई एम ये कैंसिल हो गया तो टेंशन फोर्स की वैल्यू आ जाएगी फाइव बाई एट टाइम्स एफ एफ का एफ कितना है तो तो लिख दें और 4 भी था 4 into 10 5. तो 4 से ये आ गया 5 by 2, 2 .5 into 10 5 इतना टेंशन फोर्स आएगा और ये ऑप्शन कौन सा हो गया ये टेन एस पावर फोर में दे रखा है तो फोर में शिफ्ट करने के लिए एक डेसिमल शिफ्ट कर दोगे ट्वेंटी फाइव इंट पावर फोर ही आ जाएगा तो फर्स्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा फोर्थ क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर फाइव फाइव में बोल रखा है कि एक स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ एल है मास है और टेबल पे है एफ फोर्स अप्लाई किया एक एंड पे तो टेंशन स्ट्रिंग के एल बाय फोर डिस्टेंस पे एक एंड से जिस एंड पे फोर्स लगा है उससे एल सॉरी टू पे आधे पे, पे पूछा है वही अगर पूरी स्ट्रिंग पे नेट फोर्स लिखे हॉरिजॉन्टल में तो नेट फोर्स लिख सकता हूँ स्ट्रिंग का टोटल मास एक्सेलरेशन। अब वो आधी स्ट्रिंग जो थी पीछे वाला आधा पार्ट उस पर आगे क्या टेंशन फोर्स लगेगा और सेम एक्सेलरेशन है तो इसपे लिख सकता हूँ टी इक्वल्स टू एम आधी स्ट्रिंग है तो मास हाफ हो गया इन ए एक्सेलरेशन यहां से लिखोगे एफ बाय तो टेंशन फोर्स आ जाएगा एफ बाय टू के इसको ऐसे याद रख लो कि स्ट्रिंग में एक एंड से दूसरे एंड पर लीनियरली टेंशन डिक्रीज होता जाता है स्ट्रिंग के इस एंड से तो इस एंड पे फोर्स है एफ तो टेंशन फोर्स है एफ के बराबर दूसरे एंड पे जाते जाते जीरो तो मिड में हाफ हो जाएगा इधर से वन फोर्थ तो एफ से कम होता होता है वन फोर्थ कम हो जाएगा थ्री फोर्थ रह जाएगा इधर से वन फोर्थ रह जाएगा अगर यहाँ पे वन फोर्थ पे टेंशन पूछ जाए तो इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सिक्स सिक्स में दो बॉडी गिवन है फाइव के और फोर के की तो ए और बी पुली से पास हो रखे हैं पुली परफेक्टली स्मूथ है सरफेस भी और ये बोल रखा है कि एक्सेलरेशन बताना है फाइव के का दोनों कंडीशन में अब देखो फाइव के का चाहे यहाँ से कैलकुलेट करो दोनों ही बॉडी का एक्सेलरेशन सेम आएगा यहाँ पे भी इन दोनों बॉडी का एक्सेलरेशन मैग्नेट्यूड वाइज सेम आएगा डायरेक्शन थोड़ी अलग है इसको डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि इस पे एक्सेलरेट करवाने वाला फोर्स है एम इसका एम ये तो एक्सेलरेट नहीं करवाएगा क्योंकि में तो बराबर एम जी है ये एक्सेलरेट नहीं करवा रहा ना स्लो डाउन कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन भी नहीं है टीस इसको पुल कर रहा था ये तो हो गया नेट फोर्स जो एक्सेलरेट करवा रहा है डिवाइड बाय नेट मास नाइन जी तो ये एक्सेलरेशन आ गया सिचुएशन ए के अंदर सही है सिचुएशन ए में आ गया सिचुएशन बी में देखें तो ये हैवी है तो ये अज्यूम कर सकते हैं कि ये नीचे ले जा रहा होगा फाइव जी के बराबर जो फोर्स है तो वो तो नीचे ले जा रहा है और ये जो फोर जी के बराबर डाउनवर्ड फोर्स है ये जाता ऊपर उसको अपोज कर रहा है या तो दोनों का फ्री फ्रीपर डायग्राम बना के भी लिख सकते हैं कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा लेकिन सीधा ये ले लो कि ये एक्सेलरेट करवाने वाला फोर्स ये रिटार्ड करवाने वाला फोर्स तो नेट फोर्स जो उसका एक्सेलरेट करवा रहा है वो है 5g 4g नेट फोर्स डिवाइड बाय नेट मास 9kg को एक्सेलरेट करवा रहा है तो यहां से इसका एक्सेलरेशन जो आ जाएगा वो आ जाएगा g 9 एक्सेलरेशन ऑफ b तो a का एक्सीलरेशन तो आ गया 4 9 टाइम्स g और b का आ गया 9 1 9 टाइम्स g हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर सेवन क्वेश्चन नंबर सेवन में दो एक ब्लॉक दे रखा है वो दो स्प्रिंग बैलेंस से अटैच्ड है अब ब्लॉक का मास है ट्वेंटी केजी और स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पूछी हुई है ऑप्शंस में क्या होगी तो देखो स्प्रिंग बैलेंस जो है वो टेंशन फोर्स रीड करता है हमेशा तो ये अगर 20 के है नीचे की ओर 20 के लग रहा है तो ये जो होल्ड करने वाला हुक है ये बोल सकते हैं इस पे ट्वेंटी के लगाएगा क्योंकि ये बैलेंस है तो इसको देखें इस इसपे डाउनवर्ड लग रहा है ट्वेंटी के जो हुक ने लगाया वो डाउनवर्ड इस इसपे लग गया इसपे ट्वेंटी के जी की वजह से टू न्यूटन ट्वेंटी के जी बोल दो 20 के फोर्स 20 के फोर्स के बराबर इसके डाउनवर्ड फोर्स लग गया अब ये स्प्रिंग बैलेंस रेस्ट में है तो यहां वाला जो हुक होगा उस पर भी नेट फोर्स कितना आएगा यही आएगा तो ये तो अपना टेंशन फोर्स रीड कर लेगा कितना 20 के फोर्स के बराबर और ऊपर वाला स्प्रिंग भी बिल्कुल ऐसे ही है कि ऊपर एंड अटैच है किसी जगह नीचे वाले एंड पे ये टेंशन फोर्स लग रहा है ये भी रेस्ट में है इसका मतलब ये दोनों फोर्स भी बराबर है तो इसके अंदर भी टेंशन फोर्स कितना आएगा ट्वेंटी आएगा तो अगर ये ब्लॉक रेस्ट में है तो और ये ऊपर वाले पार्ट मासलेस है तो थ्रू आउट टेंशन फोर्स ट्वेंटी के जी फोर्स के बराबर आएगा केजी के वेट के बराबर तो इसलिए दोनों स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग आएगी वो ट्वेंटी के जी ही आएगी वो द स्केल्स रीड शो ट्वेंटी के जी रीडिंग ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर एट इसके अंदर लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बोला हुआ है और लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा अगर हम लिमिटिंग फ्रिक्शन देखें तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब है स्टैटिक का मैक्सिमम वैल्यू जो होता है म्यू एस म्यू एस एन ये और अगर हम कंपेयर करें इसको डायनेमिक या काइनेटिक फ्रिक्शन से तो डायनेमिक फ्रिक्शन या काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के एन के बराबर अब ये दोनों फोर्सेस को कंपेयर किया हुआ है तो म्यू एस की वैल्यू किसी भी बॉडी के लिए म्यू के से ग्रेटर या उसके बराबर हो सकती है तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू स्टैटिक काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी स्टैटिक बोला होता तब हम कुछ भी बोल सकते थे क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है उसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होती है लिमिटिंग तो ये वैल्यू कुछ भी आ सकती थी तो इसको कंपेयर किया होता तब तो हम कुछ भी पॉसिबल वैल्यूज बोल सकते थे कुछ भी हो सकता था इनमें लेकिन इसमें ये ग्रेटर है तो क्या होगा ऑलवेज ग्रेटर देन द डायनेमिक फ्रिक्शन हो जाएगा बाकी ऑप्शंस क्या है ऑलवेज लेस देन वो होगा नहीं इक्वल टू द डायनेमिक फ्रिक्शन इक्वल आ सकता है लेकिन इक्वल नहीं है समटाइम ग्रेटर एन समाइम लेस तो ये भी नहीं होगा तो एक ही ऑप्शन बचता है अपना फर्स्ट आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर नाइन पे आए एट के बाद तो जो क्वेश्चन नंबर नाइन है इसमें बोल रखा है कि एक बर्ड जो है वो एक केज के अंदर बैठा हुआ है और ये स्प्रिंग बैलेंस से लटकाया हुआ है स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग पहले डब्ल्यू वन है जब बर्ड उसके अंदर है केज है दोनों का मिला के अब क्या है कि बर्ड जो है वो फ्लाई कर रहा है केज के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटीज़ ठीक है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से जब ये केज के अंदर फ्लाई करेगा बर्ड थोड़ा बड़ा मान लें केज को और बर्ड को थोड़ा छोटा ले लें तो जब इसके अंदर बर्ड फ्लाई करेगा तो फ्लाई करते टाइम पर क्या करेगा एयर को नीचे की ओर फोर्स लगाएगा तो अगर ये रेस्ट में या कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो इसका मतलब जितना वेट है उतना इस पर अपवर्ड एयर का फोर्स लगेगा ठीक है एयर को जो डाउनवर्ड फोर्स लगाया इसने उसकी वजह से अब एयर अगर इसी के अंदर क्लोज होती या एयर केवल डाउन डाउनवर्ड जा रही होती तो ये बोल देते कि स्केज पे डाउनवर्ड एयर ने एक पर अपोजिट फोर्स लगा दिया न्यूटन लॉ से तो इसने एयर पे लगाया लेकिन उस एयर ने जब नीचे गई तो स्केज पे लगा दिया लेकिन ओपन है तो एयर साइड में भी निकल जाएगी तो इस पे केज पे जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा ये इस एफ एयर से थोड़ा कम लगेगा तो पहले क्या क्या फोर्स रीड कर रहा था स्प्रिंग बैलेंस पहले रीड कर रहा था बर्ड का वेट प्लस केज का वेट एन टू जी अब क्या रीड कर रहा है एम जी तो रीड करेगा केज का तो लेकिन ये जो फोर्स है ये एम जी के बराबर था बर्ड के वेट के बराबर तो ये फोर्स जो है वेट ऑफ बर्ड से कम हो गया तो ओवरऑल डाउनवर्ड फोर्स जो होगा वो कम हो गया पहले के कंपैरिजन में तो इसलिए बाद वाली जो रीडिंग है इसकी वो कम आ जाएगी पहले वाली रीडिंग के कंपैरिजन में लेस ग्रेटर है पहले वाला बाद वाले के कंपैरिजन आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर टेन पे आए क्वेश्चन नंबर टेन में अरेंजमेंट दे रखा है टेंशन पूछा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर कितना होगा तो देख फ्री बल्ड डायग्राम बनाएंगे यहां पे डाउनवर्ड लिखेंगे एम जी अपवर्ड लिखेंगे टेंशन फोर्स इस पे इधर की और फोर्स लिखेंगे एम जी का कॉम्पोनेंट यह आएगा एम जी टू एस कमा जी साइन थीटा और साइन थर्टी की वैल्यू वन बाई टू तो ये फोर्स एम जी के बराबर ही आ गया इधर की और टेंशन फोर्स है अब यहां पे भी नीचे एम जी ऊपर टी यहां पे भी इस डायरेक्शन में एम जी और टी तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है इसका मतलब एम जी ज्यादा टी एम जी से कम लेकिन यहाँ पर वो सिचुएशन उल्टी हो गई तो यहां पर सिचुएशन ये कब पॉसिबल है जब ये दोनों बराबर हो जाए टी क्वस यू एम जी टी क्व एम जी मतलब रेस्ट में हो जाए तो ये रेस्ट में है एक्सेलरेशन इसका जीरो आ जाएगा जीरो आ गया तो टी की वैल्यू एम जी के बराबर है थर्ड हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवन में ब्लॉक है ए और बी उनको अरेंज किया गया है फ्रिक्शन लेस पोली है मास ए का दे रखा है टेन के जी क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन ए हॉर्जोटल सरफेस के साथ पॉइंट टू है मिनिमम मास बी का कितना होना चाहिए ताकि ये मोशन स्टार्ट कर दे तो देखो ये मोशन स्टार्ट कब होगा तो जब यहाँ वाले फ्रिक्शन को ये वाला टेंशन फोर्स क्रॉस करेगा ओवरकम करेगा उस वाली सिचुएशन में अब ये टेंशन फोर्स कितना आएगा तो यहाँ से डाउनवर्ड एम जी अपवर्ड नॉर्मल यहां पे फ्रिक्शन फोर्स आएगा म्यू हम बोल रहे हैं मैक्सिमम को क्रॉस करे तो इसलिए स्टैटिक मैक्सिमम लेके फिर क्रॉस करवाना है म्यू एस एन स्टैटिक मैक्सिमम था ये और म्यू एस एन एन की वैल्यू यहां से आ जाएगी एमजी के बराबर तो ये हो गया म्यू एस एम ऑफ ए इंटू जी तो अगर टेंशन फोर्स इससे ज्यादा हो जाएगा तो मूव कर जाएगा और यहां से देखोगे तो ये डाउनवर्ड इसका वेट अपवर्ड टेंशन फोर्स ये डाउनवर्ड जाएगा कब जब इसका वेट टेंशन से ज्यादा हो जाएगा तो इसके बेसिस पे क्या दिख रहा एम बी जी ग्रेटर होना चाहिए टी से और यहां से दिख रहा है टी ग्रेटर हो म्यू एस एम ए जी से जस्ट इक्वल वाली कंडीशन में भी वो लिमिटिंग कंडीशन हो जाएगी मोशन स्टार्ट बोल सकते तो म्यू एस जी सॉरी म्यू एस म्यू एस एम ए जी कैंसिल कर देंगे बाद में इक्वल टू एम बी जी ये मास ऑफ ए है कैपिटल ए तो यहां से चाहो तो इक्वल लिख दो ग्रेटर कर दो तो पूछा किसका वैल्यू है इसका मास पूछा हुआ है तो इसका मास हो जाएगा म्यू एस एम ए से ज्यादा म्यू एस है पॉइंट टू एम है टेन तो ये वैल्यू आ गई 2 के जी से ग्रेटर हो मास ऑफ बी या जस्ट इक्वल होगा तो भी काम चल जाएगा तो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा इसका फर्स्ट आंसर ठीक है 11 के बाद 12 क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एक ब्लॉक है 2 के जी का रेस्ट कर रहा है रफ हॉर्जेंटल सरफेस पे अब क्या बोल रखा है कि एक हॉर्जेंटल फोर्स फाइव न्यूटन का अप्लाई कर दिया ब्लॉक पर तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा ब्लॉक पे वो पूछा हुआ तो देखें यहां पर इस सिचुएशन में हमें ये नहीं बताया कि ब्लॉक रेस्ट में है कि मोशन में क्योंकि फोर्स तो लगा दिया लेकिन मोशन या रेस्ट नहीं बता रखा तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि ब्लॉक रेस्ट में मोशन अज्यूम कर लो जैसा तुम्हें सुटेबल लगे तो अगर हम इसको रेस्ट में अज्यूम कर लें ब्लॉक को तो ब्लॉक पे पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा स्टैटिक स्टैटिक की वैल्यू म्यू एन नहीं होती है वो तो मैक्सिमम वैल्यू होती है इसकी आगे की और फोर्स लगा रखा है फाइव न्यूटन डाउनवर्ड इसका वेट हो गया ट्वेंटी या टू जी के बराबर अपवर्ड नॉर्मल आ गया अब नॉर्मल की वैल्यू आ गई टू जी तो स्टैटिक मैक्सिमम की वैल्यू आ गई म्यू एस एन और एन की वैल्यू एम जी के बराबर है म्यू की वैल्यू है म्यू एस की वैल्यू पॉइंट फाइव नॉर्मल की वैल्यू आएगी वेट के बराबर जी को टेन ही ले लो एक बार तो 20 N, value, तो तो न्यूटन 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 नॉर्मल की वैल्यू ये ये आ गया 10 के बराबर स्टैटिक मैक्सिमम और फ्रिक्शन जो होगा वो स्टैटिक मैक्सिमम से कम होना चाहिए अगर रेस्ट में है तो तो रेस्ट में हमने अज्यूम किया है इसको तो जब रेस्ट में अज्यूम किया तो यहां से क्या दिख रहा है कि ये रेस्ट में होगा अगर स्टैटिक मैक्सिमम से इसकी वैल्यू कम हो और अगर रेस्ट में है तो स्टैटिक की वैल्यू यहां से इस इक्वेशन से न्यूटन लॉ से कम है, है मतलब जो हमने किया, वो सही किया, कि टेन तो न्यूटन ये मैक्सिमम है टेन न्यूटन है जब ये मोशन में हो चुका होता उस वाली कंडीशन में लेकिन ये रेस्ट में आया रेस्ट में आया तो फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम नहीं है, है जिसकी रेंज है जीरोन और 0 टू 10 की रेंज में 5 लग रहा है तो फर्स्ट हो जाएगा इसके अंदर 12 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले 13 क्वेश्चन नंबर 13 में रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस बॉडी का मास दे रखा है 2 केजी इनिशियल वेलोसिटी दे दी 10 मीटर पर सेकंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2 जी की वैल्यू 10 तो बॉडी कितना डिस्टेंस कवर करके रुक जाएगी तो इसके अंदर पीछे की ओर मोशन आगे की ओर ले लें तो पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा मोशन है तो काइनेटिक लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और आगे की ओर या पीछे की ओर रिटार्डेशन बोल रिटारो तो नेट फोर्स एमए नोर्स इक्वे और कोई वर्टिकल में फोर्सेस नहीं है तो नॉर्मल आ जाएगा एमजी के बराबर तो स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा म्यू के एम जी के बराबर तो यहां से इसका रिटार्डेशन की वैल्यू आ गई म्यू के जी के बराबर तो याद ही रख सकते हो इस तरह से रिजल्ट को कि इस केस में इतना स्टैटिक एक्सेलरेशन इसका आता है जब मूव करता है तो इसकी वैल्यू पॉइंट टू है जी की वैल्यू टेन है तो ये आ गया टू मीटर पर सेकेंड स्क्शन टू मीटर पर सेकेंड बोल दो तो ये टेन मीटर डिस्टेंस टेन मीटर पर सेकेंड वेलॉसिटी से चल रहा था फाइनली रेस्ट में आया तो न्यूटन्स इक्वेशन लगाएं इनिशियल वेलॉसिटी है ट्वेंटी टेन सॉरी इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड और जो फाइनल वेलोसिटी है वो रुकना है एक्सेलरेशन नेगेटिव में है रिटार्डेशन था इसका तो ये पूछा हुआ है कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो इसके लिए न्यूटन्स थर्ड इक्वेशन लगा दें वी स्क्वायर स्क्वास टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस ठीक है तो एस की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हंड्रेड बाई फोर ट्वेंटी फाइव मीटर तो 25 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके ये रुक जाएगा सेकंड इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर 14 14 में एक कार का मास है थाउजेंड के और मूव कर रही है थर्टी मीटर पर सेकंड से फ्रिक्शन फोर्स टायर और रोड के बीच में 500 न्यूटन है तो कार कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगी मिनिमम टाइम बोल दो या तो कि मिनिमम कितने टाइम में रेस्ट में आ जाएगी या जब ब्रेक अप्लाई किया तो फाइव थाउजेंड लग रहा है उस पर फ्रिक्शन अब ब्रेक अप्लाई करेंगे या रुकना है तो फ्रिक्शन फोर्स कार पे पीछे की ओर लगेगा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा तो इधर की ओर वेलोसिटी है इनिशियल यू ब्रेक अप्लाई किया तो पीछे की ओर फ्रिक्शन फोर्स रिजल्टेंट लगा और उसकी वजह से स्लो डाउन हुआ फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू है फाइव हंड्रेड न्यूटन फाइव थाउजेंड न्यूटन और नेट फोर्स टू मास इनटू एक्शन लिख दें तो इसका रिटार्डेशन जो आ जाएगा वो रिटार्डेशन की वैल्यू आ जाएगी फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो क्वेश्चन में कि कितने टाइम बाद रुक जाएगा तो फाइव मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रिटार्डेशन है हर सेकंड फाइव वेलोसिटी कम हो रही है इनिशियल थर्टी थी थी या तो सीधा ऐसे देख लो क्या अगर हर सेकेंड फाइव कम हो रही है तो थर्टी कम हो जाएगी में या v U अप्लाई इक्वेशन फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी इनिशियल थर्टी बाई फाइव सिक्स सेकेंड तो सिक्स सेकंड तो में ये रेस्ट में आ जाएगा फोर्टीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फिफ्टीन क्वेश्चन नंबर 15 में एक मशीन गन से बुलेट्स फायर कर रहे हैं 50 ग्राम की और हर एक बुलेट का मास सॉरी वेलोसिटी है 1000 मीटर पर सेकेंड तो हर बुलेट का मोमेंटम जो है फाइनल पहले तो जीरो था जब गन के अंदर थी तो फाइनल मोमेंटम आ गया 50 gram, जिसको ग्राम जिसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया इनटू वेलोसिटी थाउजेंड मीटर पर सेकेंड तो ये आ गया फिफ्टी के मीटर पर सेकेंड इतना मोमेंटम बुलेट का हर किसी का चेंज हो रहा है और इनिशियली सारी बुलेट्स रेस्ट में थी तो मोमेंटम में चेंज हर बुलेट का इतना हो रहा है ये बोल रखा है कि एवरेज फोर्स जो एग्जर्ट कर रही है बुलेट गुलेट पे, पे न्यूटन सर लो सेट है तो वो 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई करिए एवरेज तो एवरेज फोर्स को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ बुलेट पर सेकेंड कितनी फायर किया और कितना मोमेंटम में चेंज हुआ तो ये क्या हो जाएगा टोटल चेंज इन मोमेंटम इन टू एन था पर सेकेंड कितनी फायर की या इसको वैसे लिख दो अभी डी एन बाय डी टी बोल दो डी एन बाई डी टी का मतलब नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकेंड जो फायर की है तो ये पर सेकेंड ये टोटल मोमेंटम में चेंज आ गया पर सेकेंड जो फोर्स होगा तो फोर्स की वैल्यू है 200 न्यूटन में और इधर मोमेंटम में चेंज आ रखा है 50 इसको मैं स्मॉल एंड बोल रहा हूँ नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड जो फायर की है तो यहां से पर सेकंड बुलेट्स आ गई फोर तो पर फायर पर मिनट कितना आ जाएगा एक सेकंड में फोर है तो फोर इंटू सिक्स बुलेट्स टू फोर्टी बुलेट्स पर मिनट फायर की जा रही है उस ठीक है, 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 16। 16 क्वेश्चन में एक बॉय जो है वो बैठा हुआ है और टॉपमस कंपार्टमेंट में ट्रेन के और ट्रेन जो है वो रेलवे स्टेशन पे जाके रुकने वाली है तो उसने एक एप्पल ड्रॉप की जो दूसरा जो जस्ट डाउनवर्ड बर्थ में जो उसका ब्रदर बैठा हुआ था उसको वर्टिकली बिलो जो टू मीटर डिस्टेंस है तो एप्पल किस तरह से फॉल होगी वो बताना है तो वो सिचुएशन देखे ट्रेन का आगे वाला जो पार्ट है वो हम इसको कंसीडर कर ले रहे हैं इधर जा रही है अब यहां से एप्पल ड्रॉप की उसने यहां पे गिरनी है नीचे की ओर ट्रेन आगे बढ़ रही है ड्रॉप करने का मतलब वेलोसिटी जीरो होती है रिलेटिव ट्रेन के रिलेटिव इसका मतलब ट्रेन की वेलोसिटी अगर मैं वी कंसीडर कर लू तो बॉल की भी सॉरी एप्पल की भी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी है इसकी भी तो इसकी भी वी है जस्ट अगले इंस्टेंट पे ये नीचे तो जाएगा ही लेकिन ट्रेन की वेलोसिटी कम हो गई ट्रेन की वेलोसिटी कम हो गई लेकिन ये ट्रेन के कॉन्टेक्ट में थोड़ी है अब तो ये तो अब ग्रेविटी के कॉन्टेक्ट में या ग्रेविटी की वजह से मूव करेगा तो ग्रेविटी की वजह से डाउनवर्ड तो जाएगा ही हॉर्जेंटल वेलासिटी वी है तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस बॉल की कांस्टेंट है लेकिन ट्रेन की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है और ये इसकी कांस्टेंट है तो इसका मतलब कौन आगे निकल गया ट्रेन की बॉल ये सॉरी एप्पल तो एप्पल आगे निकल जाएगी इसके कंपेरिजन में क्योंकि इसकी वेलासिटी कम है इसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी टाइम के साथ साथ तो होगा ये कि ये एप्पल जो है जस्ट बिलो ना गिर के आगे वाले पार्ट की तरफ जा रही पाथ की बात नहीं कर रहे किस पाथ पे जा रहा है केवल इतना ही देखना था आगे जा रहा है कि पीछे तो आगे की ओर जाएगा या वैसे देख लो इनर्शिया की जैसे समझ ले कि जैसे हम किसी बस में जा रहे हैं और बस वाला अगर अचानक ब्रेक लगाता है तो ब्रेक लगाते ही हम आगे की ओर झुकते है तो झुकते झुकने की सिचुएशन ऐसी हो गई यहाँ पे भी कि जैसे इसने ब्रेक लगाया ट्रेन ने रुकने की कोशिश की तो एप्पल आगे की ओर जाएगी तो डाउनलोड भी जा रही है आगे भी जा रही है तो उसके हाथ से स्लाइटली आगे की ओर चली जाएगी तो किधर चली जाएगी स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ हिज ब्रदर इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ट्रेन तो ट्रेन के मोशन में आगे की ओर निकल गई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर तो क्वेश्चन नंबर सेवनटीन में सेवेंटीन में बोल रखा है कि एक जेट वाटर का एक क्रॉस सेक्शनल एरिया दे रखा है ए का स्ट्राइक कर रहा है वॉल से थीटा एंगल पर नॉर्मल से और इलास्टिकली रिबाउंड हो रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है डेंसिटी दे रखा है तो फोर्स कितना वॉल पे लगाया ठीक है तो पर सेकंड जो मास आएगा उसको लेते हुए देखें तो पर सेकंड यहां पे मास आया इधर की ओर और, और इधर चला गया या ऐसे बोलो कि कंटिन्यूस मास आता है तो वो थ्रस फोर्स लगाता है तो ये आके कोलाइड होगा तो ये थ्रस फोर्स लगाएगा डी एम बाई डी टी

अब ये एंगल थीटा है ये एंगल भी थीटा है तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स हो गया डी एम बाई डी टी वी कॉस थीटा और दोनों कॉम्पोनेंट आएंगे ट्वाइस अब मास पर सेकेंड कितना आ रहा है तो मास पर सेकेंड को मैं बोल सकता हूँ ये नेट फोर्स था हॉरिजॉन्टल में जो आएगा ट्वाइस मास पर सेकेंड को बोल सकता हूँ डेंसिटी और वॉल्यूम किस रेट से आ रहा है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम बोलूंगा मास को रेट ऑफ वॉल्यूम क्या बोल सकता हूं वॉल्यूम को बोल सकता हूं एरिया इन टू लेंथ तो टू रो वी कॉटा को तो रख लेते हैं अभी और इसको लिख दिया एरिया इन टू लेंथ और डीएल पर सेकेंड चेंज इन लेंथ वो वेला आ जाएगा तो इसलिए आ गया ये टू रो वी स्क्वा कॉसिटा के बराबर तो इतना फोर्स यहां पे लग रहा होगा तो ये फोर्स कौन सा हो जाएगा टू ए वी स्क्वासिटा यहाँ पे रो लिख दिया डेंसिटी डी बोल रखी थी फर्स्ट इसमें सेवनटीन में 17 पे आ जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर एटीन एटीन में एक आर्मी व्हीकल है जिसका मास गिवन है वेलोसिटी गिवन है तो फॉरवर्ड थाउजेंड न्यूटन का फोर्स इंजन अप्लाई कर रहा है और रिटार्डिंग फोर्स जो है वो फाइव न्यूटन का लग रहा है ड्यू टू तो फ्रिक्शन तो वेलोसिटी आफ्टर टेन सेकंड कितना होगा तो जो भी आर्मी व्हीकल है टैंक बोल दो कोई कार बोल दो न्यूटन का फॉरवर्ड फोर्स बैकवर्ड फोर्स या रिटार्डेशन फोर्स जो लग रहा है ओवरऑल वो, तो वो आ गया फाइव न्यूटन का तो ये पूछा हुआ है कि ये कितना वेलोसिटी आ जाएगा इसका आफ्टर टेन सेकेंड ठीक है तो यहां पर एक्सेलरेशन इधर हो जाएगा तो नेट फोर्स कितना हो गया 500 नेट फोर्स बाय नेट मास ये आ जाएगा इसका एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अब 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी गेन कर लेगा तो v इक्वल्स टू या चेंज इन वेलोसिटी इक्वल्स टू a टाइम कितना लगाया तो 1/2 एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसलिए और टाइम लगा है यहां पे 10 v u at लिखा है तो ये आ जाएगा फाइव मीटर पर सेकेंड का तो इसकी वेलोसिटी फाइव मीटर पर सेकेंड हो जाएगी चेंज और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है टेन तो फाइव और चेंज हो गई तो टेन प्लस 5, 15. क्योंकि फॉरवर्ड ही मूव किया है, तो फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी क्योंकि इसमें हमने ऐड कर दिया इनिशियल वेलोसिटी ठीक है तो ये फाइनल वेलोसिटी इसकी फिफ्टीन मीटर पर सेकेंड एटीन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नाइनटीन तो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन में एक मैन जो है वो रेस्ट कर रहा है एक पॉन्ड के मिड में परफेक्टली स्मूथ आइस है और किसके थ्रू वो मूव कर सकता है किनारे पर वो पूछा हुआ है मतलब आइस है पूरे में तो वो यहां पे पूछा हुआ है कि किस तरह से मूव कर सकता है तो यहाँ पे क्या कि आइस के सिचुएशन में हम ये बोल सकते हैं कि स्मूथ होने की वजह से वो इजीली चल नहीं पाएगा उस पर मूव करते टाइम पर स्लिप होता जाएगा तो यहां पर मैन को अगर चलना है तो इसके लिए कोई ग्राउंड से फोर्स तो नहीं लग रहा क्योंकि नॉर्मली जब हम ग्राउंड पे चलते हैं तो हम क्या करते हैं ग्राउंड को पीछे की ओर पुश करते हैं और ग्राउंड हमें आगे की ओर पुश करता है आगे की ओर मूव करते जाते हैं फ्रिक्शन 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 फोर्स फोर्स बोल सकते हो हेल्प करता है है. है नहीं तो क्या करें ये किसी, किसी तरह से दूसरी तरफ जाने के लिए किसी सेकेंड ऑब्जेक्ट को दूसरी तरफ थ्रो कर दे तो किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को आगे की ओर थ्रो करे तो ये पीछे की ओर चला जाए क्या कर सकता है थूके या हवा आगे की ओर फेंके या कोई भी चीज उसके पास हो उसको दूसरी तरफ थ्रो करे तो किसी भी ऑब्जेक्ट को वो अगर आगे की ओर थ्रो कर रहा है तो ये पीछे की ओर चला जाएगा और ये कैसे हुआ न्यूटन थर्ड लॉ की हेल्प तो से एक्शन रिएक्शन से तो एक्शन रिएक्शन से ये आगे की ओर मूव कर सकता है नाइनटीन का थर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी ट्वेंटी में लीनियर मोमेंटम एक पार्टिकल का गिवन है ए बी टी क्यूब तो टी टाइम में ए टी टाइम है ए बी कॉन्स्टेंट है तो बॉडी पर फोर्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल है तो फोर्स हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डी पी वी टी तो मोमेंटम को डिफ्रेंशिएट कर दो ए का डिफ्रेंशिएशन जीरो है बोला हुआ है बी कॉन्स्टेंट बाहर रखा टी क्यूब का डिफरेंशिएशन थ्री टी स्क्वायर आ गया तो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल है टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो थर्ड हो जाएगा इसमें ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के जी है एक फोर्स इंटू टेन एस पावर फाइव न्यूटन का अप्लाई कर रहे हैं और ट्वेंटी फाइव मीटर ये डिस्प्लेस हुआ तो वेलोसिटी कितनी एक्वायर कर लेगा सिंपल सा क्वेश्चन है फोर्स दे रखा है मास दे रखा है एक्सेलरेशन पता चल गया एक्सेलरेशन पता चल गया तो 25 मीटर चलने पर वेलोसिटी कितनी न्यूटन से इक्वेशन लगा देंगे? तो एक्सेलरेशन निकाल लिया फोर्स बाय मास से, फोर्स बाय मास करते 2 इनटू 10 सपावर सेवन सॉरी, फोर्स बाय मास करना है। तो फोर्स है 25 इनटू 10 सपावर 5 डिवाइड बाय मास है 2 इनटू 10 सपावर 7, इतना आ गया। 10 पार माइनस टू और ये आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट फाइव पहले इन दोनों को डिवाइड कर दिया टेन एस पॉलर माइनस टू मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन आ गया तो ट्वेंटी चलने में कितना वेलोसिटी आ जाएगा तो न्यूटन इक्वेशन लिख दो कौन सा वी स्क्वास टू यू प्लस टू वी फाइनल वेलोसिटी कितनी आएगी और इनिशियल वेलोसिटी थी जीरो टू ट्वाइस ऑफ एक्सेलरेशन टाइव इंटू टेन एस पावर माइनस टू डिस्प्लेसमेंट टी फाइव इधर स्क्वायर था स्क्वायर हटा के रूट ले लिया तो ये वैल्यूज आ जाएगी ट्वेंटी फाइव तो ट्वेंटी बाहर ले लो टेन इस बार माइनस टू में से बाहर आएगा पॉइंट वन पॉइंट यहां पर लगा दो तो टू पॉइंट फाइव मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी हो जाएगी तो फोर्थ इसमें हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 22 में एक ब्लॉक है मास है के जी रेस्ट कर रहा है रफ इंक्लाइन सरफेस पर 30 डिग्री है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लैंक 0.5 है तो मिनिमम फोर्स एफ कितना अप्लाई करे परपेंडिकुलर टू द प्लैंक इज डायरेक्शन प्लेन ब्लॉक पर कि ये स्लिप नहीं हो तो देखें अगर सीधा-सीधा ऐसे छोड़ दिया होता रख के तो ये नीचे की ओर स्लिप होता और स्लिप होगा कि नहीं होगा वो चेक कर लेते हैं एक बार तो स्लिप कब होता जब टेन थीटा एंगल ज्यादा होता म्यू से यही कंडीशन होती है स्लिप होने की टेन लिमिटिंग कंडीशन होती है तो थीटा थर्टी है टेन थर्टी कितना हो जाएगा वन बाय रूट थ्री और म्यू की वैल्यू देखेंगे तो ये वन बाय रूट थ्री जो हो गया इसको कन्वर्ट कर दो वैसे तो थ्री रूट थ्री ऊपर लिख दें और नीचे थ्री लिख दें तो ये आ गया 1.732 3 तो ये 0.5 से तो ग्रेटर ही आएगा जो भी आगे वैल्यू है 0.5 से ग्रेटर है मतलब फ्रिक्शन से ज्यादा है इसका मतलब स्लिप तो होता अपने आप लेकिन उसको स्लिप होने से हमें रोकना है तो आप रोकने के लिए ट्राई करते हैं अगर ये वैल्यू नहीं आती मतलब कम आता टेंथ थीटा की वैल्यू म्यू से कम होती सीधा आंसर बोल देते फर्स्ट क्योंकि फोर्स की जरूरत नहीं अपने आप रुका हुआ है अब यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्सेस लिखे डाउनवर्ड एम जी सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल इस फोर्स का डायरेक्शन ये था पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा और जब भी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पूछी है तो फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन ले लो तो ये हो जाएगा म्यू एस एन के बराबर म्यू एस एम जी नहीं है ना ही म्यू एस एम जी कॉस थीटा है म्यू एस एम जी है म्यू एस, एस एन है सॉरी तो आगे की ओर कॉम्पोनेंट आ गया म्यू एम जी साइन थीटा परपेंडिकुलर एम का कॉम्पोनेंट हो गया एम जी कॉस थीटा तो इस फोर्स के तो पार्ट्स हो गए अब ये नहीं बचा ये कॉम्पोनेंट्स हो गए रेस्ट में रखना था इसलिए जस्ट लिमिटिंग लिया है इसको एक्सेलरेशन नहीं है तो यहां से नॉर्मल कैलकुलेट करोगे नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी एफ प्लस एम कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल से कैलकुलेट करोगे तो एम जी थीटा जो है वो ग्रेटर होना चाहिए किससे या सॉरी इक्वल होना चाहिए यहां से लिख दो एफ प्लस एम जी कॉस थीटा ठीक है वैल्यू किसका पूछा है एफ का फोर्स कितना चाहिए तो बाकी सब वैल्यूज को इधर ले जाओ तो ये हो गया एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई म्यू एस ये इधर गया माइनस एम जी कॉस थीटा यह वैल्यूज आएगी देखते हैं, mg जी ट्वाइस ट्वेंटी ट्वेंटी तो बाहर रख लो साइन थी थर्टी है by तो ये हो गया और नीचे म्यू की वैल्यू भी ही है, है ना माइनस cos थीटा cos की वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस थर्टी रूट थ्री बाय टू ये आ गया वन वन माइनस रूट थ्री बाई टू और रूट थ्री बाय टू की वैल्यू कितनी बोल सकते हैं जीरो पॉइंट सेवन थ्री टू का हाफ जीरो पॉइंट एट कितना सिक्स सिक्स के अराउंड तो वन माइनस ये करेंगे ये एफ की वैल्यू आ रही थी ठीक है तो ये एफ की वैल्यू यहां से आ जाएगी तो ये वैल्यू आ गई अराउंड फोर्टीन जीरो पॉइंट वन फोर इंटू टू फोर्टीन का डबल ट्वेंटी एट तो डेसिमल कितना आ जाएगा टू पॉइंट एट न्यूटन के अराउंड ठीक है अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्योंकि अपन ने जीरो पॉइंट वन थ्री व एट सिक्स ही बोला है वन फोर बोला था पॉइंट वन फोर पॉइंट वन थ्री के अराउंड बोलते तो टू पॉइंट सिक्स के अराउंड आ जाती वैल्यू तो अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन की और रेंज क्या है कि अलग अलग है एक सिक्स है एक टू है फोर है एक जीरो है तो इसलिए अप्रोक्सीमेट यह आंसर अपना आ गया एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी थ्री

कि कैलकुलेट तो करना है लेकिन वो स्टैटिक की काइनेटिक वो कैसे देखेंगे तो पहले अज्यूम कर लिया करो या तो स्टैटिक या उसको काइनेटिक तो डाउनवर्ड जी तो जो वेट लग रहा है तो यहां पर सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा रोक रखा है एक बार अपन ने रेस्ट में कर रखा रेस्ट वाली सिचुएशन ले रखी है पहला केस लिया हमने अब जितना फोर्स आ गया उतना ही इधर से नॉर्मल लग जाएगा क्योंकि ये तो रेस्ट में है तो इसलिए फोर्स की वैल्यू तो आ गई नॉर्मल की वैल्यू सॉरी फाइव न्यूटन नॉर्मल इसलिए निकाल रहा ताकि हम रेंज निकाल सके स्टैटिक मैक्सिमम की और स्टैटिक मैक्सिमम की रेंज होती है म्यू एस एन तक म्यू एस की वैल्यू पॉइंट फाइव है नॉर्मल की वैल्यू फाइव है तो ये आ गया जीरो पॉइंट टू पॉइंट फाइव न्यूटन तक तो ये मैक्सिमम 2.5 तक रेस्ट में रख सकता है ये रेंज निकाली अब अगर ये 2.5 तक रेस्ट में रख सकता है तो इस वाली सिचुएशन ने रेस्ट एज्यूम किया है तो उसके बेसिस पे डाउनवर्ड वन न्यूटन ऊपर फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा होगा फ्रिक्शन की वैल्यू वन न्यूटन आई रेस्ट में अज्यूम किया तो अभी कंफर्म नहीं है अज्यूम किया तो फ्रिक्शन की वैल्यू वन न्यूटन के अराउंड आई जबकि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 2.5 रेंज के अंदर है रोक सकता है तो रोक लेगा फ्रिक्शन वन न्यूटन के बराबर या वेट के बराबर लग जाएगा तो फ्रिक्शन वन न्यूटन के बराबर जी की वैल्यू हमने टेन ली थी अगर नाइन पॉइंट एट लेते तो ये जीरो पॉइंट नाइन एट ही आता ऐसे लिख दो ठीक है तो इतना फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर 24 में एंगल ऑफ रिपोज फॉर ऑब्जेक्ट ऑन रफ इनक्लाइन प्लेन विल बी तो एंगल ऑफ रिपोज किसको बोल रहे हैं वो लिमिटिंग एंगल जहां पे ब्लॉक जस्ट रेस्ट में है इसको एंगल ऑफ रिपोज बोल रहे हैं तो थीटा की वैल्यू पूछी है तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स म्यू एस के बराबर या म्यू के बराबर क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन के बराबर तो कौन सा आंसर हो जाएगा सेकेंड इसके बाद नेक्स्ट ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव में एक चेन का स्मॉल पार्ट हेडलैन की चेन चेन की और न्यू पार्ट है तो मैक्सिमम हैंगिंग पोर्शन जो है वो बताना है ताकि चेन जो है वो रेस्ट में रहे टेबल पे ठीक ये चेन अज्यूम कर ली टेबल पे ये ऊपर वाला पार्ट ये हैंगिंग पार्ट तो किसका वैल्यू पूछा है मैक्सिमम लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट पार्ट जो है उसका इसको एक्स मान लो एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ये कितना हो जाएगा एल माइनस एक्स हो जाएगा क्या सही है अब अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रख कौन रहा है ये हाँ पे जो इस पे टेबल जो फ्रिक्शन लगाएगी वो फ्रिक्शन इसको रेस्ट में रख है रेस्ट में तो फ्रिक्शन स्टैटिक है स्टैटिक है तो मैक्सिमम वैल्यू से कम होना चाहिए ठीक और यहां पे क्या है कि वेट जो है इस पार्ट का वेट पार्ट का वो इसको नीचे खींच रहा तो है तो एक्स पार्ट का वेट इधर वाले फोर्स से बैलेंस हो रहा होगा जस्ट रेस्ट में है तो और जैसे ही ये वेट थोड़ा बहुत भी और इधर लटका दिया थोड़ा बहुत भी ज्यादा हो जाएगा तो ये आगे स्लिप होके आ जाएगा तो हम क्या बोल सकते हैं ये वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर है तो एम एक्स जी जो है वो फ्रिक्शन के बराबर है स्टैटिक के और स्टैटिक की वैल्यू मैक्सिमम से कम ही होनी चाहिए एक्स पार्ट का वेट क्या बोले अगर टोटल का वेट एम बोल दू टोटल इन टू एक्स पार्ट एन टू जी ये इसका वेट स्टैटिक मैक्सिमम क्या बोलेंगे यहां पर इसका वेट और नॉर्मल से म्यू एन के बराबर म्यू म्यू बोल रखा है और नॉर्मल इसके वेट के बराबर आएगा इसका वेट कितना आएगा टोटल मास बाय टोटल लेंथ इनटू इस पार्ट की लेंथ इनटू जी सही तो एम बाई एल पूरा कैंसिल करो जी कैंसिल कर दो यहां से एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेशन वाला पार्ट यहां कर रहा हूं अब मैं तो एक्स लेस देन और इक्वल टू म्यू एल माइनस म्यू एक्स इसको जाओगे प्लस हो जाएगा तो म्यू एल एक्स म्यू प्लस वन तो यहां से एक्स की वैल्यू आ गई लेस देन और इक्वल टू म्यू एल बाय म्यू प्लस वन मैक्सिमम वैल्यू पूछिए तो म्यू एल बाय म्यू प्लस वन इक्वल लेके भी कर सकते थे कि यहां पे जस्ट लिमिटिंग कंडीशन आएगी तो जस्ट इक्वल टू मैक्सिमम लेके भी सॉल्व कर लो सेम आंसर आएगा तो ये वैल्यू हो गई थर्ड आंसर इसका हो जाएगा ट्वेंटी फाइव का नेक्स्ट ट्वेंटी सिक्स क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स में इंक्लाइन प्लेन है फिर से एक ऑब्जेक्ट जो है डाउनवर्ड जा रहा है तो क्या एक्सलरेशन होगा सिंपल सा एक रिजल्ट है वो शायद याद भी होगा कि अगर ये इंक्लाइन पे नीचे जा रहा है तो एम का कॉम्पोनेंट उसको सपोर्ट कर रहा है जाने में इधर की ओर लग रहा है एम जी कॉस्टा जो नॉर्मल के बराबर आ जाएगा और पीछे की ओर फ्रिक्शन लग रहा है मुंह कर रहा है इसलिए काइनेटिक फ्रिक्शन इसको बोलेंगे फ्रिक्शन के बराबर जिसकी वैल्यू होती है म्यू एन के बराबर या म्यू के एन के बराबर अब एक्सेलरेशन पूछा है इस तरफ एक्सेलरेशन हुआ इसका तो की वैल्यू ये अट तो गया फोर्स तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा माइनस म्यू के एन एन की वैल्यू आ जाएगी एमजी थीटा के बराबर और ये था फोर्स बाय मास एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी साइन थीटा माइनस म्यू के जी कॉस थीटा तो नीचे की ओर आ रहा था तो मूव कर रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन पूछा था तो एक्सेलरेशन कितना हो गया ए पार्ट अगर अपवर्ड जाता अपवर्ड जा रहा होता तो ये फ्रिक्शन भी इधर ही आ जाता दोनों ऐड हो रहे होते यहां पर प्लस आ जाता तो ये इसके अकॉर्डिंग तो फर्स्ट हो गया नेक्स्ट 27 ऑफ फ्रिक्शन ब्लॉक और इन ब्लॉक्स के बीच में म्यू बोल रखा है तो ये मिनिमम हॉर्जोंटल फोर्स कितना अप्लाई करें कि ये जो ब्लॉक है एम ये इसके साथ अटैच रहे इस पे स्लिप नहीं हो ठीक यहां पे फ्रिक्शन नहीं लेना है क्योंकि इन्हीं के बीच में बोल रखा है फ्रिक्शन यहां पे कुछ नहीं बात की हुई है फ्रिक्शन लेस बोलो क्योंकि फ्रिक्शन की बात कर ली एक जगह तो बाकी सबको रेस्ट में फ्रिक्शन लेस रिज्यूम करना है तो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स एफ पूरे पे ये इंटरनल हो गया आपस में इंटरनल हो गए नॉर्मल एम वर्टिकल होंगे तो हॉरिजॉन्टल में पूरे सिस्टम में फोर्स एफ नेट फोर्स बाय नेट मास पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया क्या एक्सेलरेशन पहले निकाल लो सबसे पहले यही कर लो अब जिसको रेस्ट में रखना है उसका फ्री बर्ड डायग्राम बना लो इस पे फोर्सेस कौन कौन से होंगे डाउनवर्ड एम और इसकी वजह से इसको पुश करेगा नॉर्मल नीचे नहीं आने दे रहा ऊपर की ओर फ्रिक्शन लग रहा है स्टैटिक लिमिटिंग वैल्यू पूछी है तो स्टैटिक मैक्सिमम ले लो इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो ग्राउंड से देखने पर क्या दिख रहा होगा इसके साथ साथ सेम हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन ए से जाता हुआ तो ग्राउंड के अकॉर्डिंग लिख रहे हो तो एक्सेलरेशन ए बोल दो विथ रेस्पेक्ट टू कैपिटल एम बोल रहे हो तो किसी मूविंग फ्रेम से देख रहे हो फोर्स लगेगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट और एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम अपोजिट सूडो फोर्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं फोर्स नहीं आता तो सीधा इसी तरह से देख लो कि ग्राउंड फ्रेम से देखा ग्राउंड फ्रेम से इसके साथ साथ जा रहा है तो यहां से नॉर्मल हॉर्जेंडल में इक्वेशन लिखी नॉर्मल टू एम ए एम वो रहा और जस्ट लिमिटिंग कंडीशन दी दो एम जी वर्टिकल में वो फ्रिक्शन से बैलेंस हो रहा है म्यू एन से तो यहाँ से इक्वेशंस लिख दो पूछा किसका वैल्यू है म्यू का है वैल्यू तो म्यू की वैल्यू के लिए यहाँ पे लिख दिया एम जी इक्व टू म्यू एन एन की वैल्यू है एम एफ बाई एम प्लस एक स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा तो म्यू की वैल्यू आ जाएगी कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी डिवाइड बाय तो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी डिवाइड बाय एफ के बराबर इसकी वैल्यू आ जाएगी ठीक है मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स सॉरी फोर्स पूछा था म्यू नहीं गलत लिख दिया तो म्यू यहां पे आ जाएगा ये फोर्स की वैल्यू आ जाएगी जस्ट थोड़ा सा गलत तो ये थर्ड आ जाएगा एम प्लस एम जी यू के बराबर यू हो गया प्रिंट म्यू है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट 28 में एक कंप्लीट सिस्टम जो है वो राइट right साइड में मूव कर रहा है ब्लॉक जो है वो इसके स्लिप नहीं कर रहा तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा वो लिखना है ये स्लिप नहीं हो रहा तो हम ये बोल सकते हैं कि इसके साथ साथ इसका भी एक्सेलरेशन कितना है सेकेंड स्क्वायर डाउनवर्ड वेट लग रहा होगा नॉर्मल लग रहा होगा ठीक है एम के कॉम्पाइंड आ जाएंगे एमजीटा एम जी का कॉम्पोनेंट आ गया एम जी साइन थीटा अब यहां पर हो सकता है कि अगर ये बहुत ज्यादा फास्ट आ रहा हो आगे की ओर तो फ्रिक्शन इसमें पीछे लग रहा हो ऊपर की ओर स्लिप होने की पॉसिबिलिटी नीचे की ओर स्लिप होने की पॉसिबिलिटी सॉरी और अगर ऊपर की ओर स्लिप होने की पॉसिबिलिटी है तो नीचे आ जाएगा तो कोई ना कोई डायरेक्शन आ जाएगी इस डायरेक्शन में अब हॉरिजॉन्टल में अगर एक्सेलरेशन है हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिख लो या फिर फोर्स लगा देते हैं इस बार सोडो फोर्स यूज कर लेते हैं इसमें बना रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू ये जो वेज दे रखा है वो तो रिलेटिव फ्रीबर डायग्राम बनाया है तो इस की ओर सोडो फोर्स आ जाएगा एम ए के बराबर सही है सोडो फोर्स लग गया ये इधर एक्सलेट हो रहा था तो इसके फ्रेम के रेस्पेक्ट में

आ गया साइन थीटा के बराबर तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई एम जी साइन थीटा एम वन के जी है जी की वैल्यू टेन ले लो तो टेन साइन थीटा वन बाई टू ये आया माइनस एम वन ए की वैल्यू है थ्री और थीटा की वैल्यू रूट थ्री बाई टू तो ये वैल्यू आ जाएगी फाइव माइनस ये वैल्यू आ जाएगी जीरो पॉइंट एट सिक्स सिक्स ये वैल्यू थ्री से मल्टीप्लाई करोगे एटीन नाइनटीन ये वैल्यू आ गई टू पॉइंट फाइव नाइन एट तो डिफरेंस लेंगे लगभग टू पॉइंट सिक्स बोल दो तो ये डिफरेंस आ जाएगा टू पॉइंट फोर की अराउंड तो 2.4 न्यूटन के अराउंड फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे लग रहा है कौन सा हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन इसमें ठीक है हमने डायरेक्शन कोई सी भी ले लो अपने आप रिजल्ट आ जाएगा अगर ये नीचे की ओर लग रहा है तो अपने आप यहाँ पे नेगेटिव आंसर आ जाता तो ये फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी नाइन ट्वेंटी नाइन में एक ऑब्जेक्ट का मास टेन के जी है और में मूव कर रहा है वेलोसिटी दे रखी है, है तो ब्लॉक कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके रुक जाएगा तो पहले वाले क्वेश्चन की जैसे ही है कि अगर म्यू इतना है तो इसका रिटार्डेशन आएगा म्यू जी के बराबर म्यू की वैल्यू 0.5 जी की वैल्यू 10 ले लें अगर तो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का रिटार्डेशन आ गया इतना रिटार्डेशन है तो कितना डिस्टेंस लेवल करके रुक जाएगा तो हम डिस्टेंस के लिए लिख सकते हैं एस इक्वस टू न्यूटन साइड इक्वेशन सॉरी वी स्क्वायर इक्वस फाइनली रेस्ट में आना है इनिशियल वेलोसिटी 10 थी प्लस टू रिटार्डेशन है वो इसलिए माइनस फाइव लिख रहा हूं एस तो यहां से डिस्टेंस ट्रेवल आ जाएगा टेन स्क्वायर डिवाइड बाई टेन टेन मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और रुक जाएगा इसमें ठीक है तो ये हो जाएगा सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी एक बॉडी मास टू के जी का है और ग्राउंड पर मूव कर रहा है रेस्ट में आ गया कुछ टाइम के बाद कोविशन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडी एंड ग्राउंड इज पॉइंट टू तो कितना है कोई पहले वाला क्वेश्चन है ले लो तो ये आ जाएगा इसका रिटार्डेशन तो सेम पहले वाले क्वेश्चन का ही डेटा उठा के हम यूज कर रहे हैं तीनों क्वेश्चन में एक जैसा डेटा यूज हो रहा है एक पहले यूज हुआ था एक लास्ट और एक ये आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन <coughs> तो क्वेश्चन नंबर थर्टी वन में coefficient of friction किसी insect और एक बाउल के बीच में दे रखा है वो है म्यू और रेडियस ऑफ बाउल दे रखा है स्मॉल आर तो ये बताना है कि इंसेक्ट उस बाउल पे कितनी हाइट तक क्राउल कर सकता है मैक्सिमम हाइट तो और उसको स्पेयर को आ, बाउल को हेमिस्फेरिकल कंसीडर करना है तो इस तरह से हेमिस्फेरिकल बाउल अब शुरुआत में तो क्या है कि यहाँ से जब चढ़ना स्टार्ट होगा तो स्लोप शुरुआत में कम है इजीली इसके ऊपर राइज हो सकता है लेकिन जैसे ही एक पर्टिकुलर हाइट पे पहुंच जाएगा तो उसके बाद ये स्लिप होने लग जाएगा और वहां पे हम एंगल ऑफ रिपोज को यूज़ कर सकते हैं और ये बोल सकते हैं कि वहां पर एंगल जो है वो थीटा वो कुछ टेन इनवर्स म्यू के बराबर है वो मैक्सिमम एंगल हो गया जहां तक स्लिप नहीं हो सकता था और इसके बाद ये स्लिप हो जाएगा तो ये एंगल अगर थीटा हो गया ज्योमेट्री यूज करें ये सेंटर इसका ये रेडियस के बराबर था ये हाइट पूछिए ये हाइट कितनी है ठीक है तो इस हाइट को कैलकुलेट करने के लिए मैं बोल सकता हूं कि ये जो टोटल रेडियस था उसमें से ये हटा दें बार्ट और ये बार्ट कितना है ये थीटा तो ये पार्ट थीटा होगा ये नाइनटी फाइव थीटा तो ये पार्ट थीटा होगा ये स्मॉल आर तो ये हाइट हो गया स्मॉल आर थीटा तो कितनी मैक्सिमम हाइट तक स्लिप नहीं होगा वो हाइट हो गई एच इक्वल्स टू आर माइनस आर कॉस्टा टेन थीटा की वैल्यू म्यू है यहां पे टें थीटा की वैल्यू म्यू को हम सॉल्व करके थीटा की वैल्यू निकाल दें तो थीटा को मैं बोल हूं, hipertaneous. Hipertaneous सकता हूं परपेंडिकुलर अपॉन बेस और थीटा क्या होगा बेस अपॉन हाइपेटेनियस और हाइपेटेनियस कैसे लिख सकता हूं परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर यहां से टेन थीटा से थीटा हमने लिख दिया यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो तो एच की वैल्यू आ गई आर कॉमन ले लो वन माइनस थीटा और थीटा को लिख दिया वन बाय रूट ऑफ म्यू जाएगा और इसके अकॉर्डिंग आंसर इतना आ जाएगा सेकेंड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी वन थर्टी टू सॉरी थर्टी टू में फोर्स रिक्वायर्ड कितना है मूव करने के लिए एक मास वन के जी को जो रेस्ट में था हॉरिजॉन्टल रफ प्लेन पर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द वन के जी ब्लॉक अब यहाँ पे ध्यान रखना कि फोर्स हॉर्जोंटल नहीं बोला हुआ है इसको मूव करवाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए हॉरिजॉन्टल में सरफेस हॉर्जोंटल है लेकिन ब्लॉक हॉर्जेंटल फोर्स लगा के मूव करा, कराना है ये कहीं नहीं लिखा हुआ है तो अगर हम फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई करते हैं तो इस वाली सिचुएशन में ये इजीली मूव होता है क्योंकि नॉर्मल थोड़ा कम हो जाता है नॉर्मल कम होगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा तो कम फोर्स से भी मूव कर सकता है लेकिन वर्टिकली भी नहीं लगा सकते तो जब यहां पे हम सॉल्व करते हैं इसको डाउनवर्ड एम ले लो वर्टिकली अपवर्ड नॉर्मल पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा जस्ट मूव करवाना है तो कैनेटिक के बराबर बोल दिया या स्टेटिक मैक्मम और कम कर रहा होगा इसको तो ये हो गया मू एन के बराबर ठीक है तो हॉरिजॉन्टल में पहले वर्टिकल से इक्वेशन लिखोगे तो एन प्लस एफ साइन थीटा एफ का वर्टिकल कंपोनेंट इक्वास्टू एम जी हॉरिजॉन्टल से इक्वेशन लिखोगे तो एफ कॉस थीटा जस्ट म्यू एन के बराबर ठीक एन की वैल्यू यहां से सब्सिट्यूट कर दो तो एफ की वैल्यू आ गई म्यू एफ थीटा की वैल्यू कॉसिटा बाद में नीचे ले जाएंगे कॉसिटा अभी तो एफ थीटा जो है यहां पे इक्वल टू म्यू एन और एन की वैल्यू यहां से है एम जी माइनस एफ साइन थीटा तो एफ की वैल्यू ये इधर जाके कॉमन एफ ले लेंगे इसमें से तो कॉस थीटा है ही और म्यू साइन थीटा माइनस का इधर जाके प्लस का और इधर रह जाएगा म्यू एम जी और उधर रह गया था थीटा जिसको बाद में डिवाइड में ले आए थे जिसके साथ था प्लस म्यू साइन थीटा ये वैल्यू हुई तो ये फोर्स की वैल्यू है अब पूछा हुआ है मिनिमम फोर्स कितना है तो मिनिमम फोर्स के लिए नीचे वाले टर्म को डिफ्रेंशिएट करके हम जीरो कर सकते हैं तो म्यू एम डिवाइड बाय कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा माइनस थीटा प्लस म्यू थीटा का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा कॉस थीटा और ये वैल्यू जीरो के बराबर रखनी है मैक्सिमम मिनिमम के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो करते तो नीचे वाले को हमने डिफरेंशिएट करके जीरो कर दिया तो यहां से म्यू की वैल्यू आ जाएगी साइन थीटा बाई थीटा टेन थीटा आ गया तो म्यू की वैल्यू टेन थीटा के बराबर या टेन थीटा की वैल्यू म्यू के बराबर तो एफ मिनिमम की वैल्यू आ गई म्यू एम जी डिवाइड बाय कॉस थीटा कॉ थीटा को लिख दिया टेन थीटा यहाँ से आ गया था टेन थीटा इक्व टू म्यू बाय वन तो कॉस सीटा हो गया वन बाय म्यू स्क्वायर प्लस वन वन बाय रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस वन जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था बिल्कुल वैसे ही कॉस लिख दिया इससे प्लस म्यू साइन थीटा और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपेटेनियस रूट ऑफ म्यू स्क्न तो म्यू स्क्वायर प्लस वन ऊपर रह गया नीचे रूट ऑफ म्यू स्क् रूट ऑफ म्यू स्क्ता है तो इस रिजल्ट को हम याद भी रख सकते हैं कि इतना फोर्स लगाएंगे मिनिमम तो ये मूव करने लग जाता है कितने थीटा पे टेन थीटा की वस्तु म्यू पर तो मिनिमम फोर्स की वैल्यू आ जाएगी अब म्यू की वैल्यू है पॉइंट वन की वैल्यू आ जाएगी नाइन पॉइंट एट डिवाइड बाय रूट म्यू स्क्वायर पॉइंट वन स्क्वायर प्लस वन तो ये आ जाएगा पॉइंट वन स्क्वायर प्लस वन कितना हो गया जीरो सॉरी oh 1.01 तो वैसे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा इसका ये अगर म्यू की वैल्यू थोड़ी ज्यादा दी होती तब थोड़ा सा फर्क पड़ता तो ये लगभग वैल्यू नीचे वाली वन है तो ऊपर वाला आंसर आ गया न्यूटन फोर्स लगाएंगे तो उससे मूव करने लग जाएगा तो ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि मिनिमम फोर्स कितना चाहिए क्योंकि मूव करवाना था हॉर्जेंटल रफ सरफेस पे लेकिन फोर्स हॉर्जेंटल नहीं था तो इतने फोर्सेस को मूव करवाना पड़ेगा ठीक है कोई आसपास और ऑप्शन दे देते दे, तो चेक करते हैं इसको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी टू थर्टी थ्री थर्टी थ्री में नॉर्मल फोर्स अगर डबल कर दिया जाए तो कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन पे क्या फर्क पड़ेगा तो कोविशेंट ऑफ फ्रिक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है सरफेस पे डिपेंड करता है ना कि नॉर्मल पे नॉर्मल पे तो नेट फोर्स डिपेंड करता है या फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम या काइनेटिक डिपेंड करता है ठीक है इसलिए इंडिपेंडेंट रहेगा कोई चेंज नहीं होगा थर्टी थ्री में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी फोर में एक बॉडी का मास है वन के जी फॉल कर रहा है एक्सेलरेशन टेन से अपेरेंट वेट कितना होगा अपेरेंट वेट हम बोलते हैं बॉडी का कि अगर किसी के कांटेक्ट में है तो वो कांटेक्ट फोर्स कितना लगा रहा है उसके बराबर टेंशन फोर्स कितना है उस तरह से तो जब कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही होती है फ्री फॉल ही कर रही है बॉडी का एक्सेलरेशन कितना है टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो अगर फ्री फॉल कर रही होती है ये भी देख लो जी की वैल्यू भी टेनिगीवन है तो फ्री फॉलिंग बॉडी का एक्सेलर वेट जो है अपेरेंट वेट वो जीरो होता है ठीक है तो थर्टी फोर का आंसर आ जाएगा जीरो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले क्वेश्चन नंबर थर्टी फाइव थर्टी फाइव में रेशियो ऑफ ऑफ वेट ऑफ ए मैन स्टेशनरी लिफ्ट में और मूविंग लिफ्ट में जो डाउनवर्ड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से जा रही है वो थ्री रेशियो टू है तो अपेरेंट वेट जब लिफ्ट के अंदर होता है तो हम बोलते हैं एम जी इफेक्टिव जी इफेक्टिव नीचे जा रहा है तो जी माइनस ए हो जाएगा नीचे की ओर जा रहा होता है जी माइनस ए और जो एक्चुअल वेट है है वो हो जाएगा Mg. तो रेशियो किसका पूछा हुआ स्टेशनरी लिफ्ट में एक्चुअल वेट आएगा तो ये डिवाइड बाई ये पूछा हुआ है तो इसका वैल्यू दे रखा है थ्री बाय टू यहां पे उल्टा लिख दिया था तो ये आ गया तो एक्सेलरेशन की वैल्यू पूछी है ये कैंसिल हो गया तो टू जी इक्वल्स टू थ्री जी माइनस थ्री ए तो ए की वैल्यू यहां से आ जाएगी जी बाय थ्री के बराबर तो इसका एक्सेलरेशन g बाय थ्री के बराबर है डाउनवर्ड जो था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स में एक फोर्स F1 एक पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है ताकि एक्सेलरेशन मिले इसको और रेस्ट से वी वेलोसिटी एक्वायर कर ले फोर्स एफ वन जो है वो रिप्लेस किया गया एफ टू से विच डीएक्सलरेट इट टू रेस्ट तो अगर ये रेस्ट में ला रहा है इसको तो रेस्ट में लाने के लिए चाहे बहुत टाइम लगा के रेस्ट में लाए चाहे कम टाइम में लगा के रेस्ट में लाए कोई सी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है इसके अंदर तो अगर इसको रेस्ट में लाना है तो रेस्ट में लाने के लिए हर तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है या तो बराबर हो या ज्यादा हो अगर टाइम बोला होता कि अगर जीरो से वी वेलॉसिटी गेन की वेलॉसिटी टाइम ग्राफ बना रहा हूं मैं तो अगर वेलॉसिटी बहुत लंबे टाइम के बाद जीरो हो रही है तो इसका स्लोप कम है पहले से इस में. अगर ये जल्दी वेलॉसिटी डिक्रीज कर रहा है तो स्लोप ज्यादा है ए टू ज्यादा होगा और अगर सेम स्लोप है तो ए वन इक्वल टू ए टू है और फोर्स क्या होगा मास इनटू तो एक्सेलरेशन तो हर तरह की पॉसिबिलिटी है तो पहले ऑप्शन में बोल रखा है इट मस्ट बी इक्वल टू एफ टू गलत है सेकंड में बोल रखा है एफ वन में हो सकता है पॉसिबिलिटी है एफ वन मस्ट भी अन टू एफ टू इक्वल में भी आ जाएगा अनइक्वल में भी आ जाएगा तो थर्ड मस्ट बोल रखा है तो गलत है फोर्थ नन ऑफ दीज तो सेकेंड आंसर इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चले थर्टी सेवन पे थर्टी सेवन में एक फोर्स है वेक्टर फॉर्म में गिवन है, है, और एक ऑब्जेक्ट पे जिसका मास तो इसका एक्सेलरेशन मैग्नीट्यूड वाइज कितना होगा तो एफ इक्वल टू एम ए है फोर्स बाय मास ले मैग्नीट्यूड ले लो, लो केवल इतना सा पूछा है तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया का स्क्वायर फोर का स्क्वायर सिक्स का स्क्वायर रूट डिवाइड बाय आ जाएगा। चाहो तो सब में से पहले टू कॉमन लेके कैंसिल आउट कर सकते थे, या ऐड कर दो तो फिर बाद में कैंसिल आउट कर देना पहले कैंसिल कर देते थोड़ा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा तो वन फोर फोर अंदर गया था टू से नहीं फोर से कैंसिल आउट कर रहा हूं तो ये हो जाएगा नाइन तो नाइन फोर थर्टीन एक फोर्टीन रूट फोर्टीन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ सेकेंड हो जाएगा थर्टी सेवन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टी 38 एट में मैन ए दूसरे मैन बी को स्लैब कर रहा है रिटर्न बी स्लैब ए तो क्वेश्चन में ये बोल रखा है कि एक ने दूसरे को मारा रिटर्न में उसने वापस उसको मार दिया तो क्या ये एग्जाम्पल है थर्ड लॉ का और इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट लॉ और एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड लॉ इट इज अ रेंडम इवेंट तो देखें इसमें जब पहला दूसरे पे फोर्स लगा रहा है मतलब उसको स्लैब जब किया पहले ने दूसरे को फोर्स पहले के हाथ ने लगाया दूसरे के गाल पे है ना तो इसने गाल पे फोर्स लगाया हाथ भी देखोगे तो जब स्लैप किया है तो हाथ भी थोड़ा गर्म होगा हाथ पे भी फर्क पड़ेगा लाल होगा तेज मार दिया दो तो यहां पर यह होगा कि इसमें एक्शन रिएक्शन उसी टाइम पर हुआ गाल पर एक्शन किया गाल से वापस रिएक्शन इस पर भी लगा तो वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है थर्ड कई बार हम रेंडमली यूज करने वर्ड यूज कर लेते हैं कि एक ने दूसरे को मारा तो रिएक्शन उसने उस पर कर दिया वो अलग चीज है वो सिचुएशन अलग है लेकिन समझने के पर्पज से बोल देते हैं लेकिन ये एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि जब वो वापस मारेगा तो कौन से हाथ से मारा है किस बॉडी पार्ट में मार रहा है गाल पे मारा उसके बेसिस पे वो दूसरा फोर्स फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर हो गया तो यहां पर इसके हाथ ने जो लगाया इसके फेस पे फेस ने इस पे वापस लगा दिया तो ये एक्शन रिएक्शन था तो ये कोई एक्शन रिएक्शन का एग्जाम्पल नहीं है वो तो वो अगर मार दिया उसने नहीं मारा तो वो कुछ भी हो सकता था तो कोई फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्ड लॉ नहीं है ये एक रेंडम इवेंट ही है इसका कोई मतलब नहीं है न्यूटन फर्स्ट सेकंड और थर्ड लॉ से ठीक है थर्टी नाइन नेक्स्ट क्वेश्चन एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मास ऑफ रॉकेट हंड्रेड के है जो अपवर्ड जा रहा है इजेक्ट कर रहा है फाइव के ऑफ गैस पर सेकेंड स्पीड जो है वो 400 मीटर पर सेकेंड है तो रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना है वो पूछा हुआ ठीक है तो देखें यहां पर जो रॉकेट है जैसे ही गैसेस को डाउनवर्ड थ्रो किया गैसेस इस पर अपवर्ड फोर्स लगाएगी तो गैसेस ने इस पे अपवर्ड फोर्स लगाया गैसेस पे डाउनवर्ड फोर्स कितना लगा पहले मास था मास 5 के है और 400 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो के जी फोर मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो 5 के जी का मोमेंटम में चेंज हो गया कितना 2000 थाउजेंड के जी मीटर पर सेकंड इतना मोमेंटम में चेंज हुआ ठीक है अब ये मोमेंटम में चेंज पर सेकंड ही हो रहा है क्योंकि 5 के जी पर सेकंड थ्रो किया हुआ है तो ये पर सेकंड आया मोमेंटम में चेंज ठीक है ये के पर सेकंड था तो इसको हम क्या बोल सकते हैं फोर्स बोल सकते हैं तो रॉकेट ने फ्यूल पे इतना फोर्स लगाया तो रिएक्शन फोर्स इस पर वापस किया होगा तो वापस रिएक्शन फोर्स अपवर्ड इतना ही आ गया तो 2000 न्यूटन फोर्स लग गया रॉकेट पे और नेट फोर्स एक वर्षो मास इन टू एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 2000 थाउजेंड बाई हंड्रेड मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक चीज मिस कर दी ये अपवर्ड फोर्स डाउनवर्ड रॉकेट पे एम है तो नेट फोर्स कितना हो गया टू थाउजेंड माइनस एम जी एम जी कितना है जी की वैल्यू टेन बोल रखी है थाउजेंड तो ये आ जाएगा इतना वैल्यू तो ये आ गया टेन मीटर पर सेकंड स्क्वायर रॉकेट का एक्सेलरेशन है अपवर्ड ये आ जाएगा थर्टी नाइन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर फोर्टी फोर्टी में देखें, फोर्टी के अंदर तीन ब्लॉक है टू थ्री फाइव के जी के कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से और फ्रिक्शन लेस सर्फेस पे रखे हुए हैं सिस्टम को टेन न्यूटन के फोर्स से बुल कर रहे हैं तो T1 बताना है ये T1 की कितना है फ्रिक्शन लेस पे तो पूरे पर एक साथ फोर्स देख लो टेन न्यूटन है क्योंकि ये इंटरनल ये इंटरनल फोर्सेस नॉर्मल एम जी वर्टिकल नेट फोर्स टेन डिवाइड बाई नेट मास मासन हो गया तो ये पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन आ गया जो आ गया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन सबसे पहले कैलकुलेट कर लिया करो जब इस तरह की सिचुएशन हो ठीक है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए फोर्सेस पता होनी चाहिए ओरिजोनटल में तो अब पूछा हुआ है कि टी वन कितना है यहां पे टेंशन के लिए यहां से ब्रेक करो या तो आगे वाले पार्ट का डायग्राम बना लो या इधर वाले का साथ में बना लो पीछे वाले का बनाने में थोड़ा इजी पड़ेगा तो एट के जी हो गया क्योंकि आगे वाले पे एक फोर्स एफ भी है एट के जी पे पूरे पे आगे की ओर फोर्स आ गया टी वन ये तो इंटरनल हो गया और आगे की ओर एक्सेलरेशन ये आ गया वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो टी वन इक्वल टू एम एम की वैल्यू एट ए की वैल्यू वन तो एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन इसका ठीक थी। है थर्ड आंसर इसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 41 एक यूनिफॉर्म रॉड है लेंथ है एल रेस्ट कर रही है फ्रिक्शन लेस ऑर्जोटल सरफेस पे इसको एफ फोर्स लगा के वन एंड से पुल किया जा रहा है तो टेंशन बताना है एक पॉइंट जो एल डिस्टेंस पर है उस पे इस पॉइंट पे तो यहाँ पे टेंशन कैलकुलेट करने के लिए यहां से ब्रेक कर दो और एक्सेलरेशन जैसे अभी पिछले में कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट कर दो कि नेट फोर्स बाय नेट मास तो सीधा सीधा एक्सेलरेशन आ गया अब इस पीछे वाले पार्ट पे आगे की ओर फोर्स लग रहा है टेंशन फोर्स आगे की और एक्सेलरेशन है तो नेट फोर्स पीछे वाले पार्ट पे इक्वल्स टू तो मास इनटू एक्सेलरेशन इसका मास इसका मास हो जाएगा यूनिट मास इनटू इसकी लेंथ होगी इनटू सॉरी एल तो ये वैल्यू आ गई थी एल मास टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेरेशन की वैल्यू एफ बाई एम एम कैंसिल हो गया टेंशन फोर्स एफ एल माइनस एल इंटू कैपिटल कैपिटल तो ये आ जाएगा फोर्थ आंसर इसके अकॉर्डिंग पहले हाफ पे कैलकुलेट किया था तो वैसा ही रिलेशन है कि लीनियरली टेंशन फोर्स डिक्रीज होता जाएगा यहाँ पे एफ है यहाँ पे जीरो है तो लीनियर रिलेशन से भी लिख सकते हो चाहो थो. तो टेंशन फोर्स इस तरह से आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी टू फोर्टी टू में कॉइन को एक रोटेटिंग टेबल पे रखा हुआ है और जस्ट स्लिप कर रहा है जब इसको मिनिमम डिस्टेंस टू आर पे रखा हुआ है उससे ज्यादा पे रख दिया तो स्लिप हो ही रहा था अब क्या किया डबल एंगुलर वेलोसिटी कर दी टेबल की तो अब कितने डिस्टेंस पे वो स्लिप होगा तो देखें पहले जब स्लिप हो रहा था रोटेट कर रहा है यहां पे कॉइन है किसी आर डिस्टेंस पे टू आर बोल रखी है यहां पे जस्ट स्लिप होने की कंडीशन थी तो यहां पे बोल दो या तो एक्सेलरेशन लिख दो या सेंट्री फ्यूगल फोर्स लिख दो बाहर की ओर रोटेट करवाते तो बॉडी पे बाहर की ओर फोर्स लगता है या एक्सेलरेशन लिख दो सेंटर की तरफ इसका एक्सेलरेशन था तो आगे की ओर एक्सेलरेशन हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन एक, एक मिनट आगे की ओर फोर्स जो है वो फोर्स हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन और फोर्स कौन सा है फ्रिक्शन फोर्स इक्वल्स टू मास और एक्सेलरेशन होता है इसका ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर आर टू आर बोल रखा है अब क्या किया अगर एंगुलर वेलोसिटी डबल कर दी है फ्रिक्शन तो वही रहेगा मैक्सिमम तो एंगुलर वेलोसिटी अगर डबल कर दी है तो अब मिनिमम डिस्टेंस कितनी होगी वो पूछा है फ्रिक्शन सेम है तो पहले वाले से रिलेट कर दिया फर्स्ट और सेकंड से तो ये आ गया एम ओमेगा स्क्वायर टू आर इक्वल्स टू एम फोर ओमेगा स्क्वायर आर तो ओमेगा स्क्वायर एम ये सारी चीजें कैंसिल हो जाएगी आर डैश बोलो सॉरी इसको तो आर डैश आर नहीं कैंसिल हुआ तो आर डैश की वैल्यू आ जाएगी वन बाय टू आर के बराबर तो हाफ डिस्टेंस पे अब जाके रुकेगा थर्ड का ही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री में एक पार्टिकल मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में और एक्सेलरेशन और मोमेंटम पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे बता रखा है ए और मोशन ऑफ अ पार्टिकल किस तरह का है तो देखिए यहां पर एक्सेलरेशन दे रखा है वेलोसिटी दे रखी है है अगर ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी इधर होगी या मोमेंटम इधर होगा दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे और अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आना चाहिए और अगर एक्सेलरेशन इधर है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए और अगर एक्सेलरेशन इधर है डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आना चाहिए तो तीन सिचुएशन है ए वन के अकॉर्डिंग डॉट प्रोडक्ट ए डॉट पी की वैल्यू आनी चाहिए पॉजिटिव ए टू के करस्पॉन्डिंग ए डॉट पी की वैल्यू आनी चाहिए जीरो ए थ्री के करस्पॉन्डिंग ए डॉट पी की वैल्यू आनी चाहिए लेस देन जीरो डॉट करके देख लें एट आई डॉट आई करेंगे वन एट इंटू फोर थर्टी टू माइनस एटीन तो ये आ गया ए डॉट पी और ए डॉट पी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है जो भी वैल्यू ये देन जीरो है, देन जीरो होने का मतलब एक्सेलरेशन इधर की ओर है अगर ये एक्सेलरेशन है इसका मतलब वेलोसिटी की तरफ भी कुछ पार्ट आएगा स्पीड इंक्रीज करेगा तो स्पीड इंक्रीज कर रहा होगा तो एक्सेलरेटिंग सर्कुलर मोशन इसके अंदर हम बोल सकते हैं 43 के अंदर नेक्स्ट पे चलते हैं फोर एक बॉब को लटकाया हुआ है सीलिंग से ट्रेन के कंपार्टमेंट में ट्रेन जो है मूव कर रही है इंक्लाइन ट्रैक पे थर्टी डिग्री का इंक्लाइन ट्रैक है और आ, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन अप टू प्लेन इज बाई टू ऊपर की और ट्रेन एक्सेलरेट हो रही है द एंगल विच स्ट्रिंग सब सपोर्टिंग द बॉब मेक एन एंगल विद द नॉर्मल ऑफ द सीलिंग इस तरह से ट्रेन जा रही है तो यहां पर नॉर्मल जो होगा सीलिंग का उससे बॉब कितना एंगल बना रहा वो पूछा हुआ है तो इस पर फोर्सेज कौन कौन से हैं जस्ट डाउनवर्ड एम जी ये थोड़ा सा एंगल कंसिडर करना है इसको मैं यहां दोबारा बना दे रहा हूं बिल्कुल डाउनवर्ड एम जी ठीक है इधर की और की वजह से टेंशन फोर्स ट्रेन के रेस्पेक्ट में फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो इधर की ओर इंक्लाइंड के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में इधर की ओर आ जाएगा सूडो फोर्स एम ए। है? अब एंगल कितना बना रहा है तो इसके लिए फोर्सेस बैलेंस कर दो इसके। इंक्लाइंड के लॉन्ग लिख दो इनक्लाइन के परपेंडिकुलर लिख दो ये एंगल पूछा हुआ है थीटापन को तो इस थीटा को लेते हुए लिखे हैं वर्टिकल से वर्टिकल से तो ये एंगल होगा ग्राउंड से जो एंगल है ये है थर्टी तो अलॉन्ग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन कंपोनेंट कर रहे हैं तो टी साइन थीटा टी कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा तो इधर आएगा टी साइन थीटा इनके बराबर होगा तो टी साइन टू एक मिनट हटा देते हैं इसको दोबारा लिख देते हैं और next part में लिख ले लेते ले। हैं तो क्या था ये इनक्लाइंड सीलिंग uh, ये उसके परपेंडिकुलर और एम लगेगा उस पर बिल्कुल डाउनवर्ड बॉब पे टेंशन कुछ इधर बना है टी जो नॉर्मल से थीटा एंगल लेते हैं और एम जो है वो इनक्लाइंड से थीटा एंगल पर है ये थर्टी है थर्टी सॉरी थीटा नहीं बोलेंगे ये थर्टी है ये 90 थीटा तो थी, ये थर्टी है एम का और इधर की ओर सुडो फोर्स लगाया एम ए कर दिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है तो टी कॉस थीटा इक्वल्स टू एम का ही कॉम्पोनेंट आएगा केवल इधर एम जी कॉस थर्टी टी साइन थीटा आ जाएगा उधर वाले फोर्सेस एम ए और एम जी कंपोनेंट जी कॉस थर्टी साइन थर्टी सॉरी रेशियो लेटा इक्वी थर्टी डिवाइड बाय थर्टी ये, ये, ये वैल्यू आ जाएगी अब ए की वैल्यू दे रखिए जी बाय टू साइन थर्टी जी बाई टू तो जी बाई टू जी बाय टू पर तो जी हो जाएगा जी पूरा ही कैंसिल कर दो जी तो कॉमन लेके तो जी बाय टू प्लस जी बाय टू डिवाइड बाय जी रूट थ्री बाय टू तो वन टू बाय रूट थ्री ये टेन थीटा की वैल्यू आ गई ठीक है तो थीटा की वैल्यू आ गई टेन इनवर्स टू बाय थ्री तो देखें उसके अंदर आंसर कौन सा हो जाएगा सेकेंड ये आंसर हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग तो सेकेंड आंसर अपना इसमें आ जाएगा नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आगे एक बार आंसर इसका पे चले 45 में क्या बोल रखा है कि एक्सेलरेशन ए दे रखा है एक एलिवेटर का और वो एलिवेटर डाउनवर्ड जा रही है और जो फोर्स है ब्लॉक पर एम जी बाई थ्री लगा रखा है द ब्लॉक ऑफ मा समेक्ट फोर्स एम जी बाई थ्री ऑन फ्लोर फ्लोर पर लगा रहा है ये तो न्यूटन साड़लो से क्या बोल सकते हैं इक्वल डॉपोजिट फ्लोर इस पर लगा रहा होगा तो इसका जब फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे ब्लॉक का केबल डाउनवर्ड एम जी ग्राउंड से अपवर्ड फ्लोर से अपवर्ड नॉर्मल और वो नॉर्मल न्यूटन साड़ो से इक्वल डॉपोजिट बोलते हुए एम जी बाई थ्री बोल सकता हूँ फोर्सेज हो गए एक्सेलरेशन लिफ्ट के साथ साथ डाउनवर्ड है सोडो फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है ग्राउंड से ही देख लो विध रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो डाउनवर्ड आ गया एम जी अपवर्ड एक्से एम जी बाई थ्री एम ए चाहो तो अपेरेंट वेट से भी बोल सकते थे कि अपेरेंट वेट जो है वो एम जी बाई थ्री है तो एम जी माइनस ए से भी बोल सकते थे और ये वैल्यू आ गई टू जी बाई थ्री एम कैंसिल करने के बाद तो ये इसका एक्सेलरेशन आ गया तो लिफ्ट का डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है टू जी बाय थ्री के बराबर फर्स्ट इसमें आंसर हो जाएगा ठीक है तो इसी के साथ अपना डिस्कशन खत्म होता है और आप सभी को एक बार फिर से दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं थैंक यू